गुड इवनिंग एवरीबॉडी कैन समबडी टेल मी इन द चैट ऑडिबल और नॉट जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताइए गुड इवनिंग एवरीबॉडी कैसे हैं आप लोग चैट में लिख के बताया मैं ऑडिबल एंड विजिबल आवाजें आ रही है क्या मैं दिख रहा हूं सुन पा रहे हो आप लोग अनुष्का हाय दिवान गुड इवनिंग कैन समबडी टेल मी ऑडिबल विजिबल है सो so, मैं आगे थैंक्स अनुष्का सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडीड आपका भाई बहन दोस्त कजिन जो क्लियर हो गए रिजल्ट बहुत शानदार है इट्स अमेजिंग आई थिंक बहुत सालों बाद या शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा जो इतना शानदार रिजल्ट दिया है बहुत सारे लोग पास हो गए हैं और कुछ लोग रह गए हैं सो so, इतिहास गवाह उस चीज के लिए कि 100 परसेंट में से 15 परसेंट पास होता है 85 परसेंट रह जाता है इस बार इंस्टीट्यूट ने बहुत एक अच्छी चीज़ की सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल बोला पास फेल नहीं बोला इट्स अ वेरी 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 गुड साइनिंग पॉजिटिव नोट प्रो रिजल्ट दिखाया बच्चों को बट या दुख तो होता ही है कि सर रिजल्ट नेगेटिव आया सो so, आज ये जो सेशन है सबसे पहले सबको कंग्रेचुलेशन अगर आपका कोई भाई बहन इंटर में फाइनल में क्लियर हुआ है कजिन दोस्त उसके लिए एंड ये जो सेशन है स्पेशली उनके लिए है जिनका रिजल्ट नेगेटिव हुआ है जहां पर लिखा गया अनसक्सेसफुल ओके okay? अब हम सीधा स्टेट पॉइंट पे आते हैं जहां पर बोला गया सर इंटर के लिए दोनों ग्रुप देना है सिंगल ग्रुप देना है आ, कैसे करूँ क्या करूँ सबसे पहला कन्फ्यूजन होगा आपके घर वाले बोल रहे होंगे आपके दोस्त बोल रहे होंगे पहला चीज़ तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ होगा चीज़ कि आप कैसे फेल हो सकते हो क्योंकि तो सर हिस्ट्री रही है मेरी कि मैं नर्सरी या अपन आपके यहाँ पर शायद यू के जी एल के जी बोलते होंगे बॉम्बे में, में नर्सरी जूनियर सीनियर बोलते हैं ठीक है आज मैं सी ए, इंटर तक जब पहुँच गया हूँ सर जिंदगी में मैं हम कभी भी फेल नहीं हुए ना कभी इलेवेंथ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ एट्थ नाइन्थ फाउंडेशन कभी फेल नहीं हुए अब जब इस जर्नी में क्या हो गया सर एक धक्का लग गया तो ऐसा एक डाउनफॉल आ गया तो बच्चा ये डाउनफॉल नहीं है सबको पता है कि ये एक इतिहास है इसलिए ये होता ही है ऐसा चीज़ कि हर कोई पहले से नहीं पर वो मैं उसमें क्यों नहीं आया मैं क्यों नहीं आई ये जिंदगी भर का एक दुख होगा तो उसको दुख नहीं लेना है इसको आपको एक पॉजिटिव नोट में लेके चलना है कि जहां पर हमें ये समझ में आ गया कि भैया लेवल है का। हमने, जब दिया, हमने शायद कुछ गलती की होगी मैंने से हम हम मतलब द स्टूडेंट शायद कुछ गलती की होगी शायद मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी शायद मैंने मस्ती की होगी शायद मैंने नोट्स नहीं बनाए होंगे शायद मैंने सम सॉल्व नहीं किया होगा सर शायद मेरी एग्जाम के टाइम पर तबीयत खराब हो गई सर शायद मेरे घर पे कोई दिक्कत आ गई होगी शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा एंड वो शायद शायद है राइट right? तो जब वो शायद शायद अब उसको हमको हटाना है और हमको अब यकीन से हमको पास होना है ना सबसे पहला चीज़ आपके लोग आपको कह रहे होंगे कि ये अटेम्प्ट छोड़ दें ठीक है क्योंकि मेरे सामने जो अटेम्प अभी खड़ा है वो है सितंबर चौबीस का आराम आराम से दे आराम आराम से दे बेटा मे पच्चीस दे तो सॉरी जैन पच्चीस दो Now, पहला चीज हम समझ लेते हैं व्हेन यू ट्राई टू गिव अटेम्प्ट इन जनवरी ट्वेंटी फाइव योर रिजल्ट आई वुड अज्यूम इट विल बी कमिंग इन फेब Tentative, we assume it will be in a month's time. Sharad, I'll be uh, taking a video specifically again uh, in English. Do not worry that if you can understand little little, let me know, or else we can communicate on Telegram. Okay? I know a lot of people are there who have studied through me. Sharad, I'll help you. Out. Don't worry. Okay? Nihal, currently no video sessions are there. Now, when you assume we are studying, we are sitting where? We are sitting right now in. जुलाई तो so, जुलाई से लेके फेब तक की मेरी जर्नी होगी तो वहां पर भी कोई गारंटी नहीं है मेरे पास कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा होंगे अंडरस्टैंड एक पैटर्न बन जाएगा क्योंकि दो अटैम्प हो चुके होंगे आईसीए को एक लेवल मिल जाएगा कि हम इसके ऊपर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपने देखा होगा मे चौबीस के जितने भी क्वेश्चन थे ठीक है ओके okay? मे चौबीस के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें बहुत ही क्लियरली इंस्टीट्यूट ने क्या किया इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली मॉड्यूल से पूछा थिंग्स वर देयर फ्रॉम मॉड्यूल पेपर इफ यू है पेपर मुझे बताओ अग्री है नहीं, कि नहीं मॉड्यूल से था कि नहीं था फ्रॉम द मॉड्यूल राइट कंटेंट वॉज फ्रॉम द मॉड्यूल अब क्या होगा नया क्वेश्चन मिल जाएगा हमें नहीं पता लेवल क्या होगा जनवरी का एंड हम ये सामने जो अटेम्प देख रहे दिस अटेंप्ट फर्स्ट रीजन इट इज अगेन अनसक्सेसफुल कोई आपको जेल में नहीं भेजेगा कोई आपको नहीं, देगा, कोई आपको, uh, नहीं भरनी भरना अन्य तो लोग एग्जाम्बर ट्वेंटी फोर जो अटेंट है न, वो उन्ही लोगों का अटैम्प्टे जो आपके साथ दे रहे है जिनको अटैम्प लगा है पीपल so बीन अनसक्सेसफुल इन मेट इन मे ट्वेंटी क्या होगा इससे आज मैं बोलू जो फर्स्ट रैंकर थे ठीके? उनको बहुत अच्छे मार्क्स आए पर जो नेक्स्ट रैंकर होगा वो उतना शायद नहीं भी पहुंच पाएगा क्योंकि तो वो भी तो मेरे जैसा था मे भी वो शायद पहुंच मैं वो नहीं कर रहा हूँ बट हाँ हमको एक पॉजिटिव लेकर चलना है कि भैया जो अटैम्प दे रहा है कौन दे रहा है मेरे साथ वाला बच्चा अटैम्प दे रहा है जो मेरे साथ तो रह गया है जिसने एक एक ग्रुप करके शायद में दिया होगा एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप के लिए एलिजिबल होगा यहाँ पर जो होगा ना क्राउड वो थोड़ा सा लेस होगा कम होगा क्योंकि अंडरस्टैंड जो जैन पच्चीस देने वाले वो कौन है वो जो फाउंडेशन पहले अटैम्प में क्लियर हुए थे वो वापस से अभी में, जब उनका जो बना जैन ट्वेंटी क्योंकि नौंबर था, नौंबर से वो डिफर होके जैन भरा मिल गया उनको सेंस इन जैन ट्वेंटी बट से कौन होगा अपने जैसे लोग होंगे भीड़ कम होगी जब भीड़ कम होगी तो रिजल्ट अच्छा

पर सितंबर उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे लोग हैं तो हम क्यों उसको छोड़े सबसे पहला चीज भले आप दोनों दे रहे हो या एक, एक मई और नवंबर ही रहा है तो हमें क्विट नहीं करना है कोई कितना भी बोले हमें क्विट नहीं करना है क्यों वेस्ट करो घर पे बैठे बैठे क्या ही लोगे घर पर बैठे क्या होगा क्योंकि अंदर से एंगजाइटी तो होती है बटरफ्लाई पे देखोगे किसी टीचर का सेशन कोई दोस्त आपका पेपर देने होगा भाई तेरा पेपर कैसे गया क्या आया पेपर मेरे को बता वो एंगजाइटी हमेशा होगी बजने की अरे खुद जाके देखो ना वर्ड क्या है जो कल लगा मेल हम बोले डस्ट बोले जो धूल लगी अब वो सूख गई है सुखानी पड़ेगी ठीक है अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा नीड टू एक्सेप्ट रिजल्ट मैं फेल नहीं हुआ हूं मैं मैं हुआ में, next में निकल ठीक है तो पहला चीज़ मेरी मेरी तरफ से गाइडेंस होगी कि जिनको भी मे का अटैम लगा है क्विट नहीं करना है डोंट वेट फॉर जनवरी क्योंकि क्या होगा देखो अगस्त में जैसे अपन हिंदू में क्या कहते हैं अपने त्यौहार शुरू हो जाते हैं so, क्या हो जाएगा रक्षाबंधन आ जाएगी जन्माष्टमी आ जाएगी ठीक है फिर गणपति आ जाएगा नवरात्र आ जाएंगे फिर फ्राइडे आएगा अक्टूबर का नवंबर का दिवाली आएगा चिल्ड्रंस डे आएगा क्रिसमस आएगा न्यू ईयर आएगा फिर जैन आएगा तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस फेस्टिवल घर में किसी भाई का बहन का बर्थडे आ गया बाबू का बर्थडे आ गया शादियां आ गई कुछ भी आ सकता है क्योंकि अक्टूबर नवंबर सीजन होता है शादियों का अभी क्या है अभी अपने को एक एक बार वो धक्का लग चुका है ना अपने को अपने को चोट लग गई है जब आदमी को चोट लगती है ना बहुत सोच समझ के वो चलता है तो अब जब मेरे को चोट लगी ना मेरे वो फियर हो वो जिद आ गई है

सी मम्मी पापा के सामने रोए होंगे थोड़ा बहुत रोएंगे बट रात को तकिए के नीचे तो भैया मैंने तो देखा गया एक स्टूडेंट तो बहुत कुट खुट करता है ठीक है वॉशरूम में जैसे लॉन्डे जो बट देवरीबडी मम्मी के सामने तो जब ऑब्वियसली निकल जाता है पापा के सामने नहीं निकलता पापा के सामने डर तो के आंसू निकलते चीयर्स नाउ अब सो so, मेरा यही आपको कॉल होगा कि बॉस यू शुड अटैम्प फॉर सेप्टेम्बर ट्वेंटी फोर क्योंकि आप वो उस फोर्स में हो रिजल्ट नेगेटिव रहा है मेरे को वो तेजना है मैं बोलूँ मेरे को वो कन्फ्यूजन uh, है मेरे को वो इरिटेशन है मेरे को लोगों को दिखाना है वो फुल एटीट्यूड है जैसे थोड़ा सा वो लूज छोड़ोगे लिथाड़ जगह हो जाओगे कहानी पीछे हो जाएगी फिर और फिर वो जैन का फिर सर वो मी बनेगा फिर वापस है सेप्टेम्बर वो साइकिल चलता रहता है चौदह साल से पढ़ा रहा हूँ मेरे को पता है इसका ये कहानी हमेशा ही चलती रहती है अब जब मिड अटेम्प्ट है पहला मिड अटेम्प्ट है जिंदगी का पहला मिड अटेम्प्ट ठीक है लेट्स वर्क टुगेदर नाउ हाउ डू वी प्रोसीड दैट सबसे पहला चीज ध्यान से सुनना भी 300 मार्क्स का पेपर था दो ग्रुप था 150 150 लाना था नहीं हुआ मैंने हजार बार लोगों को बोला कि भैया 150 में इश्यू आएगा एग्रीगेट का बहुत लोग का एग्रीगेट में रह गया कुछ लोग तो सेट ऑफ से पास हुए मतलब क्या सेट ऑफ मिला है 145, 155, 155, 145.

अगर आपका स्कोर आई रिपीट वन ट्वेंटी टू वन थर्टी रहा है इधर ऑफ द ग्रुप में नीचे अगर आपका हंड्रेड एंड टेन प्लस रहा है वन ट्वेंटी प्लस मार्क्स से नीचे 110 प्लस है बॉस दोनों ग्रुप देना चाहिए आपको आता है खाली थोड़ी सी मेहनत करनी है सेवेंटी फाइव परसेंट आप मैनेज कर चुके थे आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट और मेहनत करनी थी किसी को भी अगर एक सौ बीस मार्क के ऊपर है और सूस वाले ग्रुप में एक सौ दस के नीचे है आपको तो दोनों ग्रुप देना ही चाहिए मैंडेटरीली मैंडेटरी आपको दोनों ग्रुप देना ही चाहिए नाउ इफ एनी हंड्रेड है क्योंकि तो सौ के नीचे अगर आया है स्कोर आपके ग्रुप की प्रिपरेशन नहीं हुई है आपने या तो लास्ट अटैम्प में मस्ती की है या अभी में फिर मस्ती करोगे तो पहले आप खुद को इवाल्यूट कीजिएगा आपका क्या स्कोर है मेरे को कितना सब्जेक्ट आता है बहुत लोगों को ये लगा लगाओ सर मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी बहुत मेहनत की थी मैं तो पेपर अच्छा भी गया था

ग्रुप है या प्लस है यू हैव टू गो यू शुड गो फॉर बोथ द इफ इट इज बिलो दिस देन आई वुड से कि आप एक ग्रुप दीजिए ठीक है नाउ पहले हम बात करते हैं दोनों ग्रुप के टाइम टेबल की हाउ डू वी प्रोसीड फॉर दैट ओके okay? नाउ दोनों ग्रुप का बेनिफिट क्या है ये दिखाता हूं दिख रहा है आरुषी गॉट अभी एक और का मैसेज आ गया एटी सेवन इज राइट ना हाईस्ट इन ऑडिट एटी सेवन लॉ में सेवेंटी नाइन अभी तक हाइएस्ट आया है एटी टू एटी सेवन है एक एटी टू एटी टू के दो तीन लोग आ गए हैं तो अभी वो इमेज बनेगी पूरी मणिकंदन रजनी इज़ फ्रॉम साउथ आई थिंक चेन्नई स्टूडेंट एटी वन लक्ष्मी आर इज़ ऑल्सो अगेन चेन्नई आई थिंक आई डोंट रिमेंबर हिम आई थिंक बैंगलोर के चेन्नई पता नहीं मुझे सेवेंटी नाइन मार्क्स इन ऑडिट

जिसके मार्क्स कम आए हैं मे बी अकाउंट्स हो सकते हैं मे बी कॉस्टिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेक्टिकल सकता है बी टैक्स हो सकता है लोगों को कॉस्टिंग में बहुत कम मार्क्स इस बार तीस पैंतीस कॉस्टिंग में बहुत लोग फेल हुए हैं एंड होते ही मतलब था कहानियाँ थी आई सी आई की ओके वॉट यू डू आई विल टेक द वीकेस्ट सब्जेक्ट इन जुलाई वट आई डू इज सेवन डेज इंटू थ्री सब्जेक्ट्स ट्वेंटी वन डेज सात इंटू तीन पकड़ा है बट ऐसे ऑडिट लॉ होता है तो मैं लोगों को क्या बोलता हूँ क्या करना चाहिए ऑडिट लॉ के लिए इमेजिन करो आप लोग कल से बैठे थर्टीन से ठीक है तेरा तेरा पास है इस बार तेरा तेरा कोई हूँ, घर का कुछ नहीं पकड़ रहा हूँ शादी वादी जुलाई आई स्टडी फाइव टू सिक्स आर्स एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ओके ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई से लेके मे बी like लाइक ट्वेंटी एट जुलाई तक फाइव टू सिक्स आर्स

कभी तबीयत खराब है पानी भर गया है लाइट नहीं है बारिश बहुत है हर जगह पर ठीक है घर में कोई इशू हो गया फाइनेंशियल इशू कुछ भी मतलब घर में कोई प्रॉब्लम हो गया हेल्थ इशू मेडिकल थ्री डेज बफर सेम पैटर्न में हम चलते हैं वापस से फर्स्ट अगस्त से एथ अगस्त फाइव टू सिक्स आज मे बी मैंने कर लिया कॉस्टिंग नाइन्थ अगस्त से लेके मे बी फिफ्टींथ अगस्त तक मे बी फाइव टू सिक्स आज हमने कर लिया एफ एम एस एम ठीक है अब यहां पर ग्रुप टू में ऑडिट कर लीजिए क्योंकि अगर ऊपर लॉक कर लिया टू टू थ्री आपका लॉपर लॉ हो गया नीचे ऑडिट हो गया तो मेरा टारगेट यह है कि मेरे को पंद्रह अगस्त तक मेरा इंडिपेंडेंस डे पंद्रह अगस्त तक ठीक है पंद्रह अगस्त तक मेरा जब इंडिपेंडेंस में मेरा इंडिपेंडेंस डे तक मेरा कोर्स खत्म कर सी अगर हमें इंडिपेंडेंस डे तक खत्म खोज के चलेंगे तो मेरा सोलह अठारह बीस अगस्त तक कोर्स खत्म होगा पहला चीज़ कोर्स खत्म करना बहुत जरूरी है नाउ व्हेन आई एम टेकिंग डेज ठीक every subject, every subject chapters, right? say, uh, है अंडरस्टैंड एवरी सब्जेक्ट एवरी सब्जेक्ट विल हैव व्हाट क्लोज टू चैप्टर्स राइट आई थिंक से लॉ में आई थिंक सोलह है ऑडिट में ग्यारह है बाकी का मुझे आइडिया नहीं है आप देख लीजिएगा पंद्रह चैप्टर में पकड़ के चलता हूँ ठीक है फिफ्टीन चैप्टर्स सात दिन है मेरे पास तो मतलब टारगेट क्या है टू चैप्टर्स पर डे करना पड़ेगा करना पड़ेगा कोई चैप्टर आपका फेवरेट होगा उसको क्या करो उठा लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सब्जेक्ट में रोना आएगा इरिटेशन होगा मतलब सब कुछ होगा आई एग्री ऑन दैट सब कुछ होता है बिकॉज इतने बच्चों को देखा हो इतने सालों में वो होता ही है बट डो नॉट क्विट एक्सेप्टेबल अंडरस्टैंड सेट ऑफ का बेनिफिट बहुत मिलता है मैंने आपको बता दिया कि 120 प्लस अगर मार्क्स जाइए बिंदास दीजिए आपको चीजें आती है थोड़ा सा मेहनत और करना है एनी बडीज अराउंड वन फोर्टी वन फोर्टी आपको तो दोनों ही देना चाहिए

नहीं हुआ ना छह महीने में क्यों क्योंकि क्या क्यों, क्यों होता है वो आलसपन आता है जवानी आती है प्यार होता है जिंदगी में टाइम पास करना है यूट्यूब करना है टेलीग्राम करना है स्नैपचैट करना है इंस्टाग्राम करना है यहाँ वहां बैठ के जिंदगी जीनी है जी ली ना जिंदगी अब तो जिंदगी में स्ट्रगल कर लीजिए तो स्ट्रगल में बोलो देखो वो आज भी ना वो ऐसा वो अंदर खौफ है अब तुम्हारे दिल में वो बैठा हुआ है वो डर वो डर मत जाने दो सी अंडरस्टैंड स्कूल में क्या होता था अपने साथ सब लोग लड़ते थे और सब लोग पास होते थे फेल एक या दो बच्चे होते थे तो अपना इन्वायरमेंट कैसा था कह खाली एक ठीक है क्योंकि पढ़ता नहीं इसलिए फेल हुआ बाकी सब तो पास है भले तुमको स्कूल में पचपन परसेंट आया पैंसठ आया अस्सी आए नब्बे नाइन्टी फाइव नाइन्टी नाइन्टी नाइन निण भी आया होगा या, या हंड्रेड भी कभी आया होगा किसी हमारी बिरादरी में क्या होता है पास कितना हुआ पंद्रह से बीस परसेंट बाकी सब आ, मम्मी वो भी फेल है मम्मी ये भी फेल मम्मी अरे भाई सब नहीं फेल है सब नहीं फेल है मैक्सिमम फेल है पंद्रह परसेंट पास है पंद्रह से इस बार तो थोड़ा अच्छा गया। मैं एवरेज पकड़ दे पंद्रह परसेंट पास है पंद्रह परसेंट पास हुआ क्योंकि उसने मेहनत की दिमाग लगाया कि मैं मेरा जिंदगी सुधारना चाहता हूं या सुधारना चाहती हूँ सो आई शुड वर्क हार्ड टू मेक मी माई सेल्फ माई फैमिली सिक्योर जो बच्चा सोच रहे जैन अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं ठीक है कैलकुलेन no, no, uh, I mean जब इंटर का आप एग्जाम देते हो अब अठारह से उन्नीस साल के होते हो ठीक है अगर आपने इंटर फाउंडेशन रूट से किया ग्रेजुएट वाला ट्वेंटी वन तो के होंगे एटी नाइनटीन ईयर ठीक है अब अगर हम जैन दे देते हैं तो आप आ जाओगे बीस साल में बीस साल में आओगे जब आप फाइनल दोगे तो क्लोज टू मैं कहता हूँ आपको पड़ेगी चौबीस साल की उम्र तेईस के आसपास और साढ़े बाईस से तेईस तेईस साल के आप होंगे जब आप फाइनल से दोगे पहला टाइम वो निकल गया तो अच्छी बात है फाइनल अगर निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं पहले अटैप में निकल गए तो तेईस साल में जैन पच्चीस आप एक भी कहीं तो, भी एक भी अटैम्प लगा तो अगर आप पच्चीस के होंगे पापा पचास के होंगे पापा के लिए तो आज भी मेहनत करें क्योंकि बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा उम्र में क्या होता है आजकल सबको पता है लाइफ स्टाइल क्योंकि ऐसा अपना तो थकान हो जाती है अपन को अरे अपन को अठारह साल के थक जाते हैं अभी ट्रैकिंग जाओगे क्लास जाओगे ट्यूशन अटेंड करोगे ऑनलाइन मम्मी थक गए इरिटेट हो गए बराबर बाल झड़ रहे होंगे किसी के लड़की और लड़का दांत गिर गया होगा किसी को कुछ इश्यू हो गया होगा तो आपने को अगर इस एज में इश्यू तो पापा को भी तो इस एज में इशू है ना मम्मी को भी तो इस एज में इश्यू है ना मम्मी पापा मेहनत कर रहे क्यों मम्मी या तो आपकी होम मेकर है या मे भी अगर वर्किंग है पापा वर्किंग है जो भी है मतलब मेहनत कर रहे क्यों क्योंकि भैया बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है बच्चा बोलते हैं नहीं मैं जिंदगी में आराम से भी देना चाहता हूं धीरे धीरे करके बनूंगा अरे धीरे धीरे करके क्यों बनना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो उसको जिंदगी में टाइम वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी लर्न इन फाइनल मैनेजमेंट

क्योंकि सबका साइकिल तो, सब तो नवंबर वाला है ना वो तो जनवरी देगा ना so, like तो अनफॉर्चुनेट वो आपका नहीं हुआ अनसक्सेसफुल uh, रहा उसके लिए वी कॉन्ट ब्लेम ईच अदर आप किसी टीचर को नहीं बोल सकते आप किसी अकेडमी को, को नहीं बोल सकते आप आईसीआई को नहीं बोल सकते अब मम्मी पापा को फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते राइट right? खुद के ग्रेवान में जाकर लुक एट योर सेल्फ वॉट यू द प्रीवियस अटेम्प्ट इफ संबर इज गुड एट थियोरी टू फर्स्ट प्रैक्टिकल देन थियोरी बिकॉज इट इज गुड फॉर यू संबर इज वीक इन प्रैक्टिकल फर्स्ट टू प्रैक्टिकल सॉरी वीक इन प्रैक्टिकल एंड गुड इन थियोरी उल्टा बोलता है ठीक है तो पहले थियोरी कर लो फिर प्रैक्टिकल मेरा इंग्लिश इंग्लिश हिल गया हुआ है ठीक है so, तो पहले थियोरी सुबह करो ना आठ से के लिए देन वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल ठीक है अच्छा वॉट इज कमिंग फ्रॉम माई साइड ऑडिट का भी नॉट ब्रिंगिंग एनी फास्ट ट्रैक बैच ऑडिट का नहीं पॉसिबल क्योंकि ऑडिट का रेगुलर चल ही रहा है अभी इट्स हंड्रेड आर्स बैच यू कैन टेक बोथ हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन ओके लॉ का भी हिंदी रिकॉर्डेड है वो भी रेगुलर बच है विराउंड वन ट्वेंटी वन थर्टी फास्ट्रैक आई एम ब्रिंगिंग अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी ईयर्स का बैच है आई थिंक सत्रह या सोलह से या सत्रह से मैं लेकर आऊंगा दोपहर को लूंगा मैं अराउंड थर्टी वन आई बी टेकिंग टू आवर्स एवरी डे पीपल हुई फॉर दैम इट्स परसेंट डिस्काउंट एज आई सेन द ग्रुप

होता है वो ट्यूशन की जिनको आदत होती है तो मैं टीचर हूँ मैं पढ़ा दूंगा आपको ऑडिट के लिए टाइम नहीं मैं बैठ पा रहा है इसलिए ऑडिट का फास्ट रेक नहीं होगा हाँ ऑडिट की मैराथन लेकर आऊंगा मैं जहां पर रिविजन कराऊंगा आपको लॉ की भी आएंगी बट वो ऑफ लेट आ जाएंगे लॉ का आई थिंक रिकॉर्डेड कंटेंट रहेगा ऑडिट काल भी रिवाइजिंग लाइव फ्यू स्ट्रेटेजी सेशन फ्यू मैराथन आएंगे फ्यू एमएन टी को जाएंगे वो सब चीजें भी आएंगी ठीक है तो ये मेरी तरफ से था आई होप आपको अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया कि जिंदगी में क्या करना है दोनों देना है एक देना है कैसे पढ़ना है ये रिजल्ट रहा है अभी और इसमें अपडेट होगा एटी सेवन ऑडिट में किसी को आया है अहमदाबाद से और एटी टू वन मोर स्टूडेंट है तो ऑफ पीपल विल बी गोइंग टू ताज दिस टाइम एंड ऑल स्टूडेंट्स हु कुड नॉट मेक इट आई वॉन्ट अगेन यू फाइट बैक एंड गेट सेवेंटी सेवेंटी आएगा तो ताज जाएगा ठीक है सो बैंगलोर पीपल आई एम कमिंग टू बैंगलोर नेक्स्ट वीक प्रोबेबली तो हम जाएंगे तो आपका कोई फ्रेंड हो जिसको सेवेंटी प्लस है उसको बता दीजिएगा ये है बॉम्बे का सेवेंटी प्लस का हम प्रोबेबली ऑगस्ट में करेंगे ठीक है तो आपका कोई दोस्त होगा जिसको सेवेंटी प्लस आया जो मुझसे पढ़ चुके हैं लॉ या फिर ऑडिट उसको बोल दीजिएगा अच्छा आपका दोस्त दो क्लियर दो हो गया उसको जिंदगी जीवाई सी ए फाइनल पढ़ना है अभी सी फाइनल के लिए बहुत टाइम है तीन साल बताएगा वहाँ uh, uh, पर हाँ यूट्यूब का मैराथन यूट्यूब पे सॉरी ऑडिट का मैराथन यूट्यूब पर होगा ठीक है मैं यहीं हूँ आई वॉज देयर विद द प्रीवियस अकेडमी मैं वहाँ नहीं हूँ आई एम इंडिपेंडेंटली सो आपको मेरे चैनल पे यह सब चीज़ें मिल जाएगी जो नंबर दिख रहा है एट फोर फोर एट फोर फोर एट नाइन वन नाइन किसी को कोई डाउट है टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकता है मैसेज कर सकता है कोई स्पेसिफिक डाउट है बाकी को मैं रिप्लाई कर दूंगा जिन्होंने मैसेज किया है uh, yeah, you can on this, या यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नाइन नाइन एट सेवन जीरो फोर फाइव फाइव सिक्स फाइव क्या आप यहाँ कनेक्ट करके बोल सकते हो सर से बात करवा दीजिए समबड़ी वॉन्स टॉक टू मी स्पेसिफिकली ओके okay, या फिर ये एक ऑपरेटेड वाला नंबर है एट फोर फोर एट फोर फोर एट नाइन वन नाइन सो यू कैन टॉक टू मी आल्सो व्हाट्सअप कर सकते हो इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस एनी गाइडेंस कुछ भी अगर कंफ्यूजन है कहीं भी तो आप कर सकते हैं आई होप क्लैरिटी आ गया होगा आपको दोनों दिन है एक दिन है किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए फोन पे बात करनी है फोन पे बात कर लीजिए व्हाट्सएप है व्हाट्सएप पर लीजिए सिर्फ फ़ोन पे क्या होगा जो मेरा टाइम मैच करेंगे इमीडिएटली आई मे नॉट बी अवेलेबल बिकॉज सेशन चल रहे होते क्लास होती है काम भी है अभी जुलाई का सीजन है ठीक है

Anybody, any specific doubt? Both groups, both groups. Are we updating in the group? ज I mean, so uh, uh, दे हो जाएगा ए एक्सेंडरी फर्स्ट कॉन्सेवर इज यू आर फेवरेट ग्रुप आप पहले वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए uh, वो देखो कितने दिन में रिविजन हो जाती है अगर वो फट से रिविजन हो जाती है मे ट्वेंटी फोर का तब तक सजेशन आ जाएगा उसको आप लिख के सॉल्व कर लीजिएगा ऑडिट लॉक का पेपर मुझे भेज दीजिएगा मैं आपको वैलिड कर दूंगा एंड अगर वो ठीक हो जाता है देन गो फॉर ग्रुप टू फॉर्म दोनों का भर दीजिएगा ठीक है के लिए यस आप बुद्ध ग्रुप दे सकते हो भाई बहुत टाइम है दोनों ग्रुप देना चाहिए आराम से हाँ सदिक मैं मैंने बताया मैं हॉस्पिटल में था मैं जैसा सभी पहुंचाऊँ घर पे तो हम ये तो आज कर लेंगे या कल मैं पक्का बात कर लूंगा ठीक है सदिक

की फॉल द चैनल डू लाइक द वीडियो कमेंट एंड शेयर विद यको भी कंफ्यूजन हो उनको क्लैरिटी हो जाए बाय टेक केयर